दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजशर्मा इंदौरी पे। आज हम बात करने वाले हैं वेस्टिज बेस्ट डील के बारे में। वेस्टिज बेस्ट डील की शुरुआत एक क्रांतिकारी मूव था डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत आपको अपना मोबाइल नंबर और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डाल के OTP के द्वारा लॉग इन करना होता है। वेस्टिज बेस्ट डील जो ऑनलाइन शॉपिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, उनको टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया। एंड्रॉयड एप्पल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वेस्टिज किचन भी लॉन्च किया गया ताकि आप अपने घर की जितनी भी ग्रॉसरी है सभी की सभी वेस्टिज बेस्ट डील से ऑर्डर कर सकें। आप देख सकते हैं कि हम एक तरीके का प्योर केमिकल फ्री प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मार्केट वेस्टिज बेस्ट डील में उभर के आ रहा है वो आ रहा है स्मार्टफोन मार्केट। उसके अलावा जो आपकी डेली यूज़ की ग्रॉसरी के आइटम हैं वो भी यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे मिस्टर दीपक सूद के द्वारा वेस्टिज बेस्ट डील की पूरी जर्नी अभी तक की। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। थैंक यू। सब्सक्राइब करें राज शर्मा इंदौरी चैनल को, बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये जो नाम दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट था। बेस्ट डील से मतलब क्या होता है? बेस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, सनातन राइट। और डील का मतलब जो और किसी को चाहिए। मैं हम लोग सब जाते हैं, अलग अलग घूमते हैं, हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन होता है भैया फ्री क्या मिल रहा है या डिस्काउंट क्या मिल रहा है। या एक मैं पढ़ रहा था कहीं पे, वहां पे लिखा हुआ था, बताया गया था कि एक फीमेल जो घर की इंचार्ज होती है, घर की पूरी इंचार्ज जो होती है, जो मैक्सिमम शॉपिंग जो घर की चीजें चाहिए होती है वो फीमेल के जिम्मे होती है, राइट? ऐसे ही होता है ना? हाँ बिल्कुल। और वो जब सब्जी वाले के पास जाती है और सब्जी खरीदती है, चाहे वो 1000 रुपए की सब्जी खरीदे, 500 की खरीदे, 300 की खरीदे, बट धनिया वो फ्री में लेती है। ये उनका राइट है, ये डील है। ये एक्चुअली में डील है कि उनको ये राइट दे दिया गया है कि वो ये नहीं कि धनिया के वो पैसे नहीं दे सकती, बट वो चाहिए फ्री उन्हें, राइट? तो कुछ ऐसी चीजें थी जो हम लोगों ने स्टडी की और हम लोगों को लगा कि जो इतना बड़ा फैमिली आज वेस्टिज बनता जा रहा है कि प्रोडक्ट जो वेस्टिज के पास है वो तो है, बट हम उनकी इनकम को किस तरीके से और जम्पर कर सकते हैं, उनके पास और ज्यादा जो घर के प्रोडक्ट हैं वो कैसे और लॉन्च कर सकते हैं। वेस्टिज बेस्ट डील के माध्यम से हम लोगों ने केवल उन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जो वेस्टिज जिंदगी में कभी लॉन्च नहीं करेगा, पहली बात। क्योंकि वेस्टिज का ब्रांड एक ऑरा हमने उन्होंने बिल्कुल अलग क्रिएट, मतलब जहां पे लोगों को वेस्टिज ब्रांड समझ आता है वो केवल एक ही समझ आती है, हेल्थ। सिंपल कि आज कहीं पे भी बात करो तो इवन आप भी लोग जाते हो, लोगों से मिलते हो तो आप हेल्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात करते हो और लोग भी आपसे हेल्थ के ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं। तो ये वेस्टिज का एक पोर्टफोलियो है, वेस्टिज का एक और है। वेस्टिज के ब्रांड में हम लोगों ने जो वर्कआउट किया वो उसी के तरफ किया, बट वेस्टिज बेस्ट डील में हम लोगों ने कहा अब इतना बड़ा नेटवर्क हो गया, किसी के नेटवर्क में 500 लोग हैं, किसी के नेटवर्क में 1000 लोग हैं, किसी के नेटवर्क में 5000 लोग हैं, किसी के नेटवर्क में 50000 लोग हैं, किसी के नेटवर्क में 500000 लोग हैं। अगर एक एक टीवी सबने खरीद लिया तो क्या होगा, या एक एक फोन सबने खरीद लिया तो क्या होगा, जबकि वो चीजें चाहिए। ये असेंशियल है, ये नहीं है कि उन्हें नहीं चाहिए, ये घर में चाहिए। आज की डेट में आप चीजें सोचो कि ये फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही है बहुत अच्छी बात है, ये कितने टाइम चलते हैं हमारे पास, कितने टाइम के लिए होता है एक फोन हमारे पास, ऑन एन एवरेज एक साल। आप सैमसंग की बात करो, आईफोन की बात करो, हर साल नया वर्जन, हर साल एक नया, या आज की डेट में बहुत सारी और कंपनी हर साल जब चेंज होता है, और स्मार्टफोन जिस तरीके से और आ रहे हैं तो फोन लोगों को चाहिए। और कहा जा रहा है कि 2000 मतलब आज की डेट में भी तकरीबन 35 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो हिंदुस्तान में आज की डेट में स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, कितनी बड़ी मार्केट है। बट वेस्टिज कभी फोन लॉन्च नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कोई हेल्थ एंगल नहीं है, बट
अगर लोगों की नीड है तो वेस्टीज की मैनेजमेंट ने सोचा कि हम किस तरीके से ये चीजें भी लोगों तक पहुंचाएं, और जब उनके पास ये पहुंचाएं तो हमारे अपलाइंस को, हमारे लीडर्स को या हमारे जो भी व्यक्ति हैं उनको एडवांटेज हम कैसे दें। तो हम लोगों ने रिसर्च की, हम लोगों ने बहुत सारे सर्वेस किए और हम लोगों ने देखा कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हमसे डिमांड करते थे वो पहला हमारे से सबसे पहले डिमांड करते थे किचन। सबसे जगह पे हम लोगों ने, जब मेरे को याद है आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले एमडी सर ने एक मीटिंग में अनाउंस किया कि वेस्टीज चावल दाल मसाले सब लेके आ रहा है, और उसके बाद से मेरे पास हजारों फोन आए केवल ये पूछने के लिए सर लॉन्च कब हो रहा है, सर कब लॉन्च कर रहे हो, एमडी सर ने ये कहा था, एमडी सर ने उस मीटिंग में ये कहा था। और तकरीबन जब एमडी सर ने अनाउंस किया था उसके बाद हमारे को टाइम लगा, बट जो थॉट प्रोसेस था कि हम वेस्टीज में लॉन्च नहीं करेंगे बट वेस्टीज बेस्ट डील के माध्यम से हम ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देंगे, कि आप लोगों के परिवार में यानी कि आप लोगों के नेटवर्क में जो लाखों लोग आज आ रहे हैं जो वेस्टीज के माध्यम से तो आपकी इनकम दे रहे हैं, बट वो किचन के घर जो सामान है, बेसिक नीड, बल्कि नीड भी नहीं कहता आज की डेट में, तो नेसेसिटी है हमारी, कि हमारे को आज आटा चाहिए ही चाहिए, दाल चाहिए, नेसेसिटी है, इसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते आज की डेट में, चावल चाहिए ही चाहिए। तो ये नेसेसिटी की चीजें हैं, हम लोगों को था कि हम लोगों को ये आप लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, राइट। और हम लोगों ने फिर जब इस कंपनी को शुरू किया, धीरे धीरे वर्कआउट करना शुरू किया और आगे लेके गए, ऐप हम लोगों ने उसकी लॉन्च की और एक पूरा डिवीजन हम लोगों ने वेस्टीज बेस्ट डील का क्रिएट किया। हम लोगों ने उन कंपनीज के साथ टाई अप किया जिन लोगों, जो कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, लोगों को उस ब्रांड के बारे में नॉलेज है, लोग जानते हैं उस ब्रांड के बारे में। हम लोगों ने नए ब्रांड्स को ट्राई करने की कोशिश नहीं की अभी, हम लोगों ने कहा कि जो लोगों को ब्रांड नॉलेजेबल है, जो लोग जानते हैं, उन्हीं ब्रांड को अगर हम लोगों के लेके लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग उन ब्रांड को अभी भी मार्केट से खरीदते हैं तो वो इसको ले लेंगे, क्योंकि वेस्टीज में चाहे वो वेस्टीज हो चाहे वो वेस्टीज बेस्ट डील हो, दोस्तों एक लाइन नारा हमारा सेम है, चेंज द शॉप चेंज द लाइन, सिंपल है कि वेस्टीज में आपको चाहे वो वेस्टीज हो या बेस्ट डील हो, आपको चेंज एक ही चीज करनी है, वो है आपकी शॉप दुकान, दैट्स ऑल। क्योंकि ये चीज हम वेस्टीज बेस्ट डील और वेस्टीज के माध्यम से आपको इतने प्रोडक्ट दे देंगे जो शायद आप लोग सपने में नहीं सोच सकते। और आज की डेट में अगर मैं टोटल अगर इन टोटालिटी बताऊं तो 200 से 250 प्रोडक्ट हम वेस्टीज में लॉन्च कर चुके हैं, और वेस्टीज बेस्ट डील में तकरीबन 500 प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। और ये 500 प्रोडक्ट वो सारे के सारे हैं जो हमारी आज नीड या नेसेसिटी हम कुछ भी कर सकते। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो प्राइस मार्केट में मिल रहा है आपको, या तो वही सेम प्राइस है या उससे कम प्राइस पे हम वेस्टीज से आपको वो दे रहे हैं, इवन डिस्काउंट भी हम आपको दे रहे हैं, और साथ ही साथ में हम आपके लिए उसके ऊपर पॉइंट सिस्टम भी रखा है जिसके कारण आपकी कमीशन भी और ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं और एमिसन बैठे हुए थे और एक चीज के ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, हमने सिंपल सी कैलकुलेशन की, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि एप्लीकेशन फॉर्म, राइट, एक एप्लीकेशन फॉर्म या एक कैटलॉग एक कंपनी में कितना बिकता है, सिंपल कि एक एप्लीकेशन फॉर्म कितना बिकेगा, कि आज की डेट में अगर मैं छोटी सी बात बताऊं 2.5 से 3 लाख ज्वाइनिंग एवरी मंथ हो रही है, क्लियर है ये बात, yes। तो इसका मतलब 2.5 से 3 लाख एप्लीकेशन फॉर्म हर महीने बिक रहा है ऑन एन एवरेज, ये तो गारंटेड है, और इसके अलावा भी होगा, मतलब इससे दुगना ही होगा, लोगों के पास दो दो घर में भी पड़े होंगे, यानी कि 6 लाख एप्लीकेशन फॉर्म अगर बिक रहे हैं, अगर उस पर हम डीवी नहीं देते या पीवी नहीं देते तो वो तो लॉस था ना सब लोगों का, उस पर हमने पीवी बीवी दिया जिसके कारण आप लोगों की कमीशन इनकम बढ़ रही है। डे वन से वेस्टीज का एक ही सोच है वेस्टीज की मैनेजमेंट की, कि हम आप लोगों की जिंदगियों को कैसे बदल सकते हैं, और दूसरा हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें, ये दोनों थॉट है हमारे पास, हेल्थ के थ्रू भी और वेल्थ के थ्रू भी, क्योंकि हम आपको यहां पे पैसा कमवाने नहीं आए, हम आपको खजाना कमवाने आए हैं, खजाना। आज जब लोग लाख रुपए कमाते हैं या 5 लाख कमाते हैं या 10 लाख रुपए जो कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए जो कमा रहे हैं वो नेचुरल है, खजाना है उसके लिए।
राइट और यही थॉट था। धीरे धीरे वेस्टीज बेस्ट डील में हम लोगों ने कंपनीज को टाई अप करना शुरू किया, हम लोगों ने नेसेसिटी के नीड के प्रोडक्ट्स को लेके आना शुरू किया, आप लोगों को उसके ऊपर टीवी देना शुरू किया जिससे आप लोगों की एक कंजम्पशन केवल आप कंज्यूम करें और अपनी जिंदगी को कैसे बदलें। क्योंकि आज हम लोग सब जानते हैं कि वेस्टीज में हम लोगों को यहां पे सेल्समैन नहीं बनाया या सेल्स वुमेन नहीं, क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट बेचने नहीं है हमें, हमें क्या करना है खुद पास, दैट्स ऑल। कि वेस्टीज में तो हम 2,500-3,000-4,000 जो हमारे घर में लग रहे हैं प्रोडक्ट ले रहे हैं, बट इतनी बड़ी रेंज जो वेस्टीज बेस्ट डील में हम लोगों ने लॉन्च की है, जो आप वेस्टीज में प्रोडक्ट लेने के बाद भी कहीं और से ले रहे थे, हमने कहा उसे भी अब हम बंद कर देना चाहिए और आप केवल सारे के सारे प्रोडक्ट आज से आप वेस्टीज बेस्ट डील के द्वारा लो। हम लोगों के पास जब हमने लॉन्च की ऐप, पहला महीना बहुत अच्छा गया, धीरे धीरे लोगों ने इसे अप्रिशिएट करना शुरू किया, लोगों ने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना शुरू किया। हमारे पास कुछ चैलेंजेस आए, कुछ चैलेंजेस क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री, राइट। हम लोगों ने जो पहला महीना था जो डिलीवरी थी 7-7 दिन 10-10 दिन 15-15 दिन में लोगों के घर में पहुंची, राइट। आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि टाइम लगा, पहले महीने कुछ दिक्कतें थी और वेस्टीज की मैनेजमेंट ने इमीडिएटली उसके ऊपर काम भी करना शुरू किया कि हम सर्विस को और ज्यादा एनहांस कैसे करें, क्योंकि लोगों को अगर 15 दिन में माल मिलेगा तो वो ज्यादा देर तक उस माल को नहीं खरीदेंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। लोगों को माल चाहिए इतनी देर के खट देरी से घर के पास, और वेस्टीज की मैनेजमेंट का डे वन से यही फोकस था कि सर्विस में हम लोग आप लोगों का हमें कोई बीट ना कर पाए। और मैं वादा करता हूं एक दो चीजों का, आज 2020 तक वेस्टीज की मैं बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में हर 15 किलोमीटर पे वेस्टीज का एक ऑफिस होगा। ये काम पे ऑलरेडी हम काम करना शुरू कर चुके हैं, लोग इतना बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे साथ, हम लोगों ने कहा 500 प्रोडक्टों या 1000 प्रोडक्टों नेसेसिटी वाले कितने हैं, नीड वाले कितने हैं जो इमीडिएट चाहिए हो, राइट। कई बार तो हमारे को कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो हम मतलब 6-1 साल में एक बार यूज करते हैं, महीने में एक बार यूज करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप 5 बार यूज करते हैं, दिन में आप 4 बार यूज करते हैं, जो बार बार आप यूज करते हैं वो आपको आपके घर के पास मिलने चाहिए। तो पहले एक ऑफिस एक वेयर हाउस से हम लोगों ने शुरू किया, उसको हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज किया, हम लोगों ने 5 वेयर हाउस इमीडिएटली खोले अगले महीने, हमने कहा लोगों तक पहुंचना है, और जो 20 दिन में सामान पहुंच रहा था उसको हम 7 दिन में लेके आए, ये दूसरे महीने 7 दिन के अंदर अंदर लोगों के पास सामान पहुंचा, बट अभी भी हमारे को खुशी नहीं थी, हमने कहा और ज्यादा। और फिर धीरे धीरे हमने एक मॉडल डिजाइन किया जो हम लोगों ने अपने डीएलसीपी वालों को बुलाया और हमने कहा कि जो खास प्रोडक्ट है कौन से, किचन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किचन, जो मेजरली दाल आटा चावल, ये एक नेसेसिटी है हर घर की कि ये इमीडिएट चाहिए। मसाले, अब हमारे हम हिंदुस्तान में और नॉर्दर्न इंडिया में क्या, पूरे हिंदुस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, मतलब मैं देखता हूं कई बार, वैसे तो मुझे कोई खाने पे बुलाता नहीं है बट कोई गलती से बुला ले तो पति अपनी वाइफ को कह रहा था अरे क्या फोका बना दिया है आज तो खाने में जायका ही नहीं, आज तो मजा ही नहीं आ रहा, जरा कुछ डाला करो इसमें, राइट। ये स्वाद जो एक चीज है जिसमें मसाले, और आज की डेट में मसाले भी इतने सारे, राजमा के लिए स्पेशल राजमा मसाला, चने के लिए स्पेशल चना मसाला, नॉनवेज की बात करूं चिकन के लिए अलग चिकन मसाला, राइट, ये स्पेसिफिक हो गए हैं सारे। और जब हम लोगों ने इसके ऊपर देखा, हमने कहा यार लोगों की नीड नहीं है, ये नेसेसिटी हो चुकी है, ये इसके बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि शायद अगर खाने में नमक ना हो या मसाला ना हो तो हम उस खाने को हटा देते हैं, कई बार तो देखा लड़ाइयां हो जाती हैं। तो ये इतनी बड़ी चीज है आज की डेट में, हमने कहा ये इमीडिएट चाहिए। घर में 3 बार अगर खाना बनता है तो 3 बार उन चीजों को यूसेज होती है, 3 बार आटा चाहिए होता है, चाहे वो सुबह पंजाबी कितने हैं यहाँ पे पहले मुझे सच सच बताना चाहता हूँ, ये परौठे कौन कौन खा के आए सुबह, मतलब सुबह होता है ब्रेकफास्ट तो सबसे पहले आलू प्याज का परौठा चाहिए, उसके बिना हमारा शुरू ही नहीं होता, राइट।
सुबह आटा चाहिए, दोपहर को चाहिए, रात को चाहिए, अन्न हम बहुत ज्यादा खाते हैं, अलग अलग प्रकार के। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रेंज में हम लोग लेके आए हैं, हम लोगों ने रियलाइज किया, इवन एक चीज हम लोगों ने देखा, क्योंकि ये वेस्टीज में हम लॉन्च नहीं कर सकते थे, हमने वेस्टीज बेस्ट डील में लॉन्च की। आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, एक खास प्रकार का आटा भी हमने लॉन्च किया, दो प्रकार के खास, वो क्या है, एक ग्लूटेन फ्री आटा, ये शायद आप नाम सुन रहे हो, या ऑर्गेनिक आटा, राइट, आज की डेट में हम सब लोग सुनते हैं ना ये चीजें, ये सारे यहां पे आपको मिल रहे हैं। ऑर्गेनिक आटा भी आपको मिल रहा है, नॉर्मल आटा भी आपको मिल रहा है, या एक खास प्रकार की बीमारी हो रही है आज हिंदुस्तान में, जिसको हम कहते हैं वीट एलर्जी, राइट, वो आटा ही नहीं खा सकता, अन्न नहीं खा सकता वो व्यक्ति, चावल अन्न ये सब बंद हो जाता है, उसके लिए भी हमने स्पेशल आटा लॉन्च किया यहां, कि हम लोग एक एक इंसान के प्रति सोचते हैं कि हम किस तरीके से लोगों के घरों तक हम पहुंच जाए, राइट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक, जो मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनिक आटा जो हम लोगों ने लॉन्च किया यहाँ पे, कि लोगों को अगर चाहिए तो ऑर्गेनिक वो ले सकते हैं, बेसिकली जो नॉर्मल आटा वो, अच्छा वो 10 किलो का पैक नहीं, 5 किलो के पैक में हमने उसका भी बड़ा पैक लिया, हमने कहा 5 किलो के पैक में, 1 किलो के पैक में, डिफरेंट पैक साइज भी हम लोगों ने उसमें दिए, क्योंकि जो नीड के हिसाब से हमारे घर की हम लोग उसको खरीद सके, राइट। तो हम लोगों ने किचन आइटम्स को, हम लोगों ने रियलाइज किया कि किचन आइटम एक ऐसी चीज है जो लोगों को इमीडिएट चाहिए, तो देन जो डीएलसीटी स्टोर्स हैं, हम लोग उनके माध्यम से एक खास टाइप की किचन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो अब हम लोगों ने तकरीबन 5 डीएलसीटी पे अभी तक इसको किया है हम लोगों ने।